बिहार में चमकी और लू से लगातार हो रही मौतों के बाद सवाल यहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खड़ा हुआ है। हम इस समय पटना में हैं, पटना मेडिकल कॉलेज PMCH, जो यहां काफी विख्यात है। जरूरी है ये समझना कि नीतीश कुमार के राज में बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि यहाँ तो बहार है, लेकिन क्या स्वास्थ्य सेवाओं को देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ अस्पताल स्वस्थ हैं? इसी के लिए हम पहुँचे हैं PMCH आपको वो तस्वीर दिखाने जो सच है, जो बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का सच है। बिहार में नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज में क्या अस्पताल स्वस्थ हैं? पटना का PMCH ये अस्पताल, और अब मैं इन इलाके में आया हूँ जो कि जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है, एक तरह का वार्ड समझिए। तो ये उस पहले वार्ड की तस्वीर है, खुला वार्ड है और पेशेंट्स को भर्ती कर लिया गया, पेशेंट तमाम सारे भर्ती हैं। लेकिन इस वार्ड में ये ऊपर AC का चैम्बर है, यहाँ पर AC फिलहाल चल नहीं रहा है, संडे का दिन है, AC बंद है, पंखे एक दो चलाए जा रहे हैं, वो एग्जॉस्ट पैनल है, यहाँ से कम अंदर अगर गर्मी होती है वो बाहर निकल जाए, वो चलता नहीं दिख रहा है। पंखा भी नहीं है सर, पंखा नहीं है, पंखा भी नहीं है, पेशेंट यहाँ लेटे हुए हैं, ऊपर पंखा नहीं है, छत जो है इसकी हालत साफ सफाई को लेकर के ये देखा जा सकता है। ये वो तस्वीरें हैं, डॉक्टर जितने हैं, डॉक्टर अपनी क्षमता से डबल काम कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है जितने हैं अपनी क्षमता से डबल काम कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, लू हो सकता है, चमकी बीमारी का प्रकोप पहले ही है, ऐसे में डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ जो है उनके सामने डबल चुनौती है। लेकिन चुनौती से तब निपटें जब सरकारी व्यवस्था भी बेहतर हो, प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर हो। बेड नाम मात्र के हैं, आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए ये पेशेंट नीचे लेटा हुआ है और ऊपर की छत का हाल देख लीजिए। ये तस्वीर मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन कृष्ण कुमार दिखाएं, ये देखिए यहाँ पेशेंट लेटा हुआ है और पेशेंट के ठीक ऊपर ये छत है, अगर ऊपर से कुछ टूट के गिरे तो न जाने क्या होगा। ये तस्वीर है PMCH की, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि PMCH को बिहार का एम्स भी कहा जाता है। बताइए क्या शिकायत? पंखा भी नहीं है यहाँ पे, पंखा नहीं है, नहीं है, पेशेंट घायल अवस्था में आए हैं, डॉक्टर उपचार कर रहे हैं, डॉक्टर को छोड़िए पेशेंट तक के लिए पंखा नहीं है, इस गर्मी में इलाज होगा। ये देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये AC का वेंटिलेशन पॉइंट है, ये कमरा कायदे से ठंडा होना चाहिए, दवाइयों का असर हो, ऐसे में जब दवाइयाँ गर्म होती हैं उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, फिलहाल वो डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत भयावह हैं, ये बिहार की राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, क्या आप यकीन मानेंगे कि ये तस्वीर ऐसी हो सकती है? सिस्टर ये बताइए कब से AC नहीं चल रहा है? कल तो था कूलिंग, इसमें कल भी नहीं था, आज अभी तक भी नहीं। तो आप लोग काम कैसे करते हैं इतनी गर्मी में? यही गर्मी में करते रहते हैं पागल जैसे। ये जो दवाइयाँ हैं, गर्म कहते हैं दवाइयों को ठंडी जगह रखना चाहिए, इतनी गर्मी में क्या दवाइयों ठंडी जगह रखना चाहिए? ठंडा चीज है यहाँ अभी तो नहीं है, जो लेके आते हैं तो कैसे चलती है, तुरंत हम लोग देते हैं। पंखा भी नहीं है यहाँ तो, कहीं एक दो पंखे चल रहे हैं, पूरी पंखा कहीं कहीं जगह नहीं, कहीं कहीं है। इतने पूरे वार्ड में मैं पंखे गिना देता हूँ, एक दो, बस ये इतने वार्ड में दो पंखे, और यहाँ ये जो भी पंखे लगे हैं लोग अपना निजी लगवाए, पंखे भी निजी हैं जी, ठीक है, मरीजों के पास भी चलेंगे। लेकिन PMCH में इस सबसे महत्वपूर्ण वार्ड की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता। जिसे बिहार का एम्स कहा जाता है, जो पटना की पहचान है और खासकर जिस पर निर्भर है पूरा राज्य, पटना की बड़ी आबादी, आसपास के जिलों से जो लोग आते हैं, चाहे वो सासाराम हो, जहानाबाद हो, गया हो, वहाँ के भी जो मरीज आते हैं, ये अब दूसरा इलाका देखिए, ये बेड जमीन पर लगे हुए हैं, यानी हालत ऐसी है कि जब सीजन हो बीमारियों का, मौसम हो, तब मरीज आएगा तो कहाँ जाएगा। जिन मरीजों की किस्मत में बेड था उन्हें बेड तो मिल गए, बाकी की तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये क्या है? ये बारिश का, ये देखिए, ये एक वीडियो का कल, ये पूरा ये जो बेड है ना, हाँ, मतलब ये सारा पानी में तैर रहा है, पानी है, पानी की तस्वीर ये देखिए। एक जो मरीज के रिश्तेदार हैं, इन्होंने वीडियो मोबाइल पर बनाया और दिखा रहे हैं कि जब बारिश हो रही थी तो यहाँ फर्श पर पानी भर, कम से कम 6 इंच पानी, 6 इंच पानी, 6 इंच पानी, ठीक है। ये तस्वीर है, आप लोग किनारे हो जाएं ताकि मैं पूरी तस्वीर, ये आपका फोन ले लीजिए, फोन आपका, मैं आपको तस्वीर हो जाऊं। हम नहीं चाहते कहीं किसी मरीज को असुविधा हो, उनके परिजनों को असुविधा हो, लेकिन ये तस्वीर दिखाना भी जरूरी है जो बिहार की हकीकत है जी। ये सारे निकल करके बाहर थे, इस सब में पानी भरा हुआ था, ये ट्रॉली सेवा। हम चाहेंगे आप लोग मरीजों के पास न जाएं, जितना हो सके दूरी बनाएं ताकि किसी को असुविधा ना हो।
मकसद ये है यहाँ आने का कि हम दिखाएं कि बिहार के अस्पताल ही इतने बीमार हैं, लोगों का इलाज भला क्या होगा। ये देखिए, ये पेशेंट जमीन पर हैं, ये ग्लूकोज की बोतल है, ज्यादातर दवाइयां इसके जरिए लगाई जाती हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक तार बिछा करके रस्सी से लटकाया गया, जैसे छतों पर कपड़े सुखाए जाते हैं वैसे ये ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है ताकि लोगों का इलाज हो सके। ये जो मरीज हैं किस हालत में, कितनी उम्मीद लेकर के आते हैं कि सरकार उनके लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए। दूसरी तरफ तस्वीरें यहाँ और भी बहुत सारी हैं, इस कमरे में भी कई सारे बेड हैं। हालांकि ये जो दूसरा हिस्सा, यहाँ पर पंखे फिलहाल चल रहे हैं, शायद कोई एक एसी भी यहाँ पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कम से कम तापमान उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जहाँ हालात बेहतर हैं वहाँ मरीज कितने बेहाल हैं वो तस्वीर देखिए। फिलहाल बेड जो मरीज हैं ज्यादा दूर दराज से आए हैं उनको मिल चुका है, जो जाहिर है जो पहले आएगा वो जी वहाँ बेड नहीं मिला, वहाँ बेड नहीं है। ये एसी, ये देखिए ना, हाँ मरीज के जो परिजन हैं वो बेहालित बताना चाहते हैं और हमारा फर्ज है कि हम वो तस्वीर दिखाएं। सरकार कहती है कि सुशासन है, ये सुशासन में ये तस्वीर देखिए, यहाँ मरीज लेटे हैं, कायदे से ये इलाका हाइजीनिक होना चाहिए, यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। ये बाहर दरवाजा है, उसके आसपास पान की पीक है, ये थूका हुआ है, यहाँ डब्बे लोहे के रखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर कूड़ा कचरा है। जाहिर है इन बीमारियों से कौन बचाएगा, डॉक्टर इलाज कर देगा। लेकिन फिर वही दूसरी तस्वीर, वहाँ एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, यहाँ एक बच्चे को बीमारी है, यहाँ लेटा आएगा, और जहाँ लेटा हुआ है उसके पास का जो रूफ कंपार्टमेंट है, ये जहाँ पर एसी का वेंटिलेशन रखा हुआ है, ये पूरा इलाका जिस स्थिति में है ये भगवान भरोसे है। यानी यहाँ डॉक्टर इलाज तो कर देगा लेकिन जो मरीज है उनकी जिंदगी भगवान भरोसे है। पंखे का सहारा है, पंखा है नहीं, इसलिए जो तमाम माएँ आती हैं वो हाथ से पंखा लेती है ताकि बच्चों पंखा है अपना लेकर के, अपना लेकर पंखा भी अपना लाते, अपना लाते हैं। हाथ का पंखा लोगों को लेकर के आना पड़ता है। अब ये इन इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती है डॉक्टरों नर्सिंग के आगे कि जब ऐसी भीड़ आए हर किसी को इलाज मिले। हम डॉक्टर, चूंकि जो डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है उन्हें परेशान नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते उन्हें कोई तकलीफ हो या उनके काम में कभी कोई बाधा हो। इसीलिए आपको ये तस्वीर दिखाई, देखिए ये बुजुर्ग कहीं दूर से आए हैं और इनके साथ कौन है, हम लोग डॉक्टर रूम चाहिए, नर्सेस का डॉक्टर रूम है ये जी, पेशेंट यहाँ सटा रहता है, यहाँ सटा रहता है, वहाँ सटा रहता है, बहुत तकलीफ है। हम लोग डॉक्टर रूम चाहिए, सब नर्सेस को एकदम, नर्सों के लिए ड्यूटी का एक कमरा नहीं है, सबको रूम है। ये गुस्सा है दरअसल नर्सिंग स्टाफ के पास कि जहाँ वो बैठती हैं, देखिए यहाँ दवाइयाँ रखी हैं, कायदे से ये इलाका भी सैनिटाइज होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए ताकि जो मरीज इन्फेक्ट होकर के आते हैं वो डॉक्टरों को ना फैले। लेकिन यहाँ जो नर्स हैं ये भी एक बड़ी बहादुरी है कि उनके मेज से महज 6 फीट की दूरी पर एक मरीज लेटा हुआ है। जी ये बुजुर्ग हैं, आए हैं दूर दराज, इनके साथ कौन है, हम नहीं चाहते मरीजों को बात करें उनको असुविधा हो, जमीन पर लेटे हैं, बेड तो छोड़िए, ये कपड़ा इनका अपना है, ये देखिए ये गमछा कहते हैं, गमछा बिछाया हुआ है यहाँ पर है, और फायर वेंटिलेशन, जी हाँ फायर वेंटिलेशन, आपात स्थिति में जिससे आग बुझाया जाए उसके ट्यूब में ग्लूकोज बांधी गई है, और ये देखिए ये व्यवस्था नीचे जा रही है ताकि बाबूजी का इलाज हो सके। ये स्थिति पीएमसीएच का है। अब बड़े बड़े दावे सरकार के, देखिए ये दवाइयां हैं, शायद वेस्ट पड़ी दवाइयां हैं, क्या है कोई नहीं जानता, ये एक बेड यहाँ रखा हुआ है। जी बताइए सर, मुझे एडमिट करना था यूरो सर्जरी विभाग में, इसके लिए मुझे एनएमसीएच से रेफर किया गया बट यहाँ एडमिट नहीं ले रहा। क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसका डॉक्टर अभी नहीं बैठता, ये मंगलवार को बैठता है, आप मंगलवार को लाइए, मैंने नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मरीज को लाया हूँ, डॉक्टर नहीं है। हाँ डॉक्टर नहीं है बोला जा रहा है, उसके बावजूद मैंने यहाँ पे पास भी बनवा चुका हूँ फिर भी मुझे नहीं कुछ भी नहीं दिया गया। मैं वो बोले कि IGMS में ले जाए, मैंने IGMS में ले जाने के लिए भी बोला तो मुझे मैं बोले कि एम्बुलेंस का सुविधा मुझे चाहिए, बोल रहे हैं वो प्राइवेट से आप लेके जा सकते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं मिली, एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मरीज के लिए एम्बुलेंस नहीं है, न जाने ये कैसा सुशासन है जहाँ बीमार के लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। ये तमाम जो मरीज के लिए मांगते हैं वो भी नहीं मिलता है जी, जो बेड है ना बिछाने के लिए गंदा वाले मांगते हैं यहाँ से नहीं मिलता है, क्यों क्या कहते हैं, बोलते हैं कि अभी नहीं जाओ, नहीं है जी। ये तमाम जो मरीजों के परिजन हैं ये दरअसल आज तक के कैमरे पर इसलिए आए हैं ताकि वो अपनी व्यथा उस सरकार को सुनाएं जो सारी तस्वीरें देखती है फिर भी चुप रहती है, मुख्यमंत्री कुछ बोलते भी नहीं है, हेल्थ मंत्री स्कोर बताते हैं टीवी पे, लेकिन ये इस स्कोर का क्या होगा, जहां पर कुछ करने की जरूरत है वहां की स्थिति। ये पीएमसीएच का वार्ड है, जो तस्वीरें हैं
वो भयावह हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। इस गर्मी में खड़ा होना मुश्किल है, इन मरीजों को न जाने यहाँ कितना दिन बिताना पड़ेगा। ये जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर है, न जाने यहाँ कितना लंबा उनको इंतजार, कितने घंटों तक यहाँ काम करना पड़ता है। ये है PMCH का अस्पताल, बिहार का एम्स कहते हैं इसे। अस्पताल के बाकी इलाकों में, बाकी जगहों पर जो आप तस्वीरें देखते हैं, दरअसल PMCH का जो ICU वार्ड है वो उससे बेहतर है। और एक उम्मीद भी जगाता है कि दरअसल व्यवस्थाओं में जहां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टरों की होती है, जहां पेशेंट को लाया जाता है, वहां की तस्वीर बेहतर है। मेरे पीछे ये PMCH का ICU वार्ड है, तो खासकर जितने भी ICU वार्ड हैं वहां की तस्वीर काफ़ी बेहतर है। मरीजों के लिए सुविधाएं भी हैं, हालांकि ज़रूरत ये हो सकती है कि जिस तरह की आबादी और जिस तरह जब ऐसी तस्वीरें होती हैं, चमकी जैसे बुखार हो या लू हो या फिर ऐसी कोई बीमारी फैले, तब लड़ने के लिए अस्पताल कितना तैयार है। तो ICU की स्थिति कम से कम ठीक है, लेकिन चूंकि पेशेंट लगातार आते हैं, डॉक्टरों पर, नर्सों पर दबाव पड़ता है। सिस्टर ये बताएं, कितने देर से आप लोग काम कर रहे हैं लगातार? हम सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी है, 2 बजे तक। 2 बजे तक। इस समय जब फ्लो बढ़ रहा है, जब ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तब कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को? तो मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है। स्टाफ पर्याप्त है आपके पास? हाँ, ये स्टाफ पर्याप्त है, जितनी है उतनी होनी चाहिए, उतने हैं आपके पास? उस साइड के यदि खुल जाएंगे तो चाहिए और स्टाफ, यहाँ ये दोनों के लिए अभी सफिशिएंट चल रहा है उसमें, है ना? नहीं, ठीक है। जितनी होनी चाहिए मैम, क्या उतने डॉक्टर उतना स्टाफ आपके पास है? इस तरह जब खासकर जब मौसम होता है, सीजन होता है, बीमारियाँ फैलती हैं, उन ऐसी स्थिति में निपटने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त संख्या, जिसको मैन पावर कहते हैं, वो है? मैन पावर की तो हमेशा ही कमी रहती है, क्योंकि पेशेंट का तो इनपुट जो रहता है वो मौसम के अनुसार बढ़ता है, घटता है। जब बढ़ जाता है तब तक के लिए तो हमारे पास स्टाफ जरूर कम हो जाता है। तब ऐसी स्थिति से कैसे निपटती हैं आप? हमारे यहाँ सारे लोग, अदर डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं वो सब आ जाते हैं, कैजुअल्टी के सारे डॉक्टर लोग हो जाते हैं, सीनियर डॉक्टर लोग भी सब इमरजेंसी देखना शुरू कर देते हैं। वैसे सब OPD में रहते हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर भी इमरजेंसी में ज़्यादा यहाँ पे ये दे दिया जाता है। एक डॉक्टर के ऊपर काम का जो वर्कलोड है वो कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो ये दरअसल तस्वीर है बिहार में स्वास्थ्य को लेकर के। मैन पावर कम है, अस्पताल कम है, जहाँ पर है वहाँ पेशेंट की संख्या कहीं ज़्यादा है। फिलहाल कम से कम एक बड़ी अच्छी तस्वीर दिखती है कि जो ICU है, कम से कम PMCH का, उसकी तस्वीर इतनी अच्छी है। और खासकर डॉक्टरों की तारीफ की जा सकती है कि यहाँ पर जो चुनौती है, ज़्यादा संख्या में पेशेंट और बाद में उन सबको इलाज मुहैया कराना। डॉक्टर राजीव रंजन साहब, हॉस्पिटल हम जब देख रहे हैं तो ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे इतनी ज़्यादा कमी है। ऐसे में जो मुजफ्फरपुर में केस हुआ, बड़ी त्रासदी के टाइम में हॉस्पिटल क्या तैयार है इस तरह की आपदा को झेलने के लिए? वस्तुतः आप जिस जगह गए थे वो हमारा जनरल इमरजेंसी है, हमारी पीडियाट्रिक इमरजेंसी अलग बिल्डिंग में है, संभवतः आप वहाँ नहीं गए। आप देख लेंगे सब कुछ। त्रासदी के लिए या समस्याओं से जूझने के लिए अस्पताल है, और हम समझते हैं कि हम अगर कुछ अनमैनेजेबल नहीं हो तो सामान्य कोटि के तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए बिल्कुल सक्षम है और हम लोग काम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, मैंने वार्ड्स वहां पर देखा, एयर कंडीशन नहीं चल रहे हैं, कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि स्ट्रेचर तक टूटा पड़ा है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य सिस्टम बिहार का, और पर्टिकुलरली PMCH, जिसको बिहार का एम्स तक कहा जाता है, वो डॉक्टर की अगर छोड़ दें, जो उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, उसके आगे हट करके बुनियादी चीज़ों को लेकर के कमी है? लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुनियादी चीज़ों की कमियों को हम कम से कम मिनिमाइज करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस दें। और एक बड़ी योजना बनी है सरकार की कि पटना मेडिकल कॉलेज को हिंदुस्तान के नहीं, भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में बनाया जाए। तो उसके लिए हमारी कार्य योजना चल रही है, सरकार गंभीरता से उस पर काम कर रही है, और जहाँ तक फौरी तौर पर जो कमियाँ हैं उसको डेली हम लोग मॉनिटर करते हैं, और अगर कहीं कोई कमी होती है तो उसका निराकरण करते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज का ये पीडियाट्रिक वार्ड है, ज़्यादातर बच्चे, चाहे वो लू के हों, चमकी के हों या दूसरी बीमारी के जो बच्चे हों, उनको यहाँ लाया जाता है इलाज के लिए। अब चूंकि मौसम गर्म, हवाएं लगातार चली हैं, लू के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, साथ के साथ चमकी के भी जो केसेस थे, इंसेफ्लाइटिस के, उन बच्चों को लाया गया है। ये बच्चों की मेडिकल इमरजेंसी का वार्ड है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर भी जैसे ही मौसम बढ़ा, बुनियादी ढांचा कितना अच्छा है बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का, वो तस्वीरें बयां करती हैं। वार्ड नहीं है, बच्चों को मना नहीं किया जा सकता इलाज के लिए, इसलिए जहाँ जगह मिली डॉक्टरों ने वहीं इलाज करना शुरू कर दिया। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे आए हैं जो बीमार हैं, सुविधाएं हो या ना हो, लेकिन मना नहीं किया जा सकता इन बच्चों को, इसलिए जहां जो सुविधा मिली वहां इलाज शुरू कर दिया गया। ये मेडिकल इमरजेंसी का इलाका है, जी हां, इमरजेंसी, जब आपात स्थिति होती है बच्चे बीमारी से, उनको यहां लाया जाता है।
ये वो तस्वीरें हैं, बेड हो ना हो डॉक्टर मना नहीं कर सकते, पेशेंट एडमिट होते हैं और इलाज कैसे होता है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ढांचे के तौर पर ये वो वार्ड है। अब ये देखिए, ये वो वार्ड हैं जहाँ पर इन बच्चों का इलाज हो रहा है। उनके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं ज़्यादातर में। देखिए ये जो तार लगाए गए हैं, इनके ज़रिए ग्लूकोज की बॉटल, जिनके ज़रिए सारी दवाइयाँ बच्चों तक पहुँचाई जाती हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। फिलहाल कमरे में साफ़ सफाई तो है, लेकिन कैसा दिखता है बच्चों का इमरजेंसी वार्ड PMCH में, ये उसकी तस्वीरें हैं। दवा वा सब आप लोग को मिल जाती है? हाँ, सारी दवा मिल जाती है? हाँ, सारी दवा मिल। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। सारे बच्चों का एडमिशन मिल गया? हाँ। कम से कम इस वार्ड में PMCH में अभिभावक हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन व्यवस्था क्या ऐसी होनी चाहिए, जब भीड़ बढ़ती है, जब बेड नहीं है, आपात स्थिति में बेड लगा के, ये गैलरी का इलाका आपको बताऊं, वार्ड अंदर है, ये वार्ड की जाने का रास्ता है, ये गलियारा है, यहाँ से आने जाने का रास्ता है, लेकिन मरीज बढ़ गए, बेड ज़्यादा नहीं है, इसलिए जहाँ डॉक्टरों को सुविधा हुई वहीं पर बेड लगा कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। ये वार्ड की स्थिति देख लीजिए, ये PMCH का मेडिकल इमरजेंसी वार्ड है जहाँ बच्चों का इलाज होता है। ये देखिए, जैसे ही बीमारियों का मौसम आता है क्या स्थिति होती होगी इन अस्पतालों में, इसके बारे में सोचा भी। ये तस्वीरें दरअसल चिंतित करती हैं, लोगों को चिंता में डालती हैं, भयावह हैं। ये वार्ड का पूरा इलाका है, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर इलाज होता है। परिजनों के लिए व्यवस्था नहीं है, माँ बाप के लिए व्यवस्था नहीं है, छोटे बच्चों के लिए, वो अपने ननिहालों को छोड़ नहीं सकते। ये पूरा इलाका हम आपको दिखाएं। ये शौचालय का प्रमुख है, इमरजेंसी के लिए दरवाजे टूटे हुए हैं, साफ सफाई के नाम पर जो है सो है। ये दूसरा कमरा पीडियाट्रिक वार्ड का, यहाँ पर भी बच्चे, देखिए डेंगू वार्ड, ये डेंगू वार्ड है जी, डेंगू वार्ड, जो डेंगू के पीड़ित बच्चे हैं उनको यहाँ पर रखा गया है जी। डेंगू का वार्ड, डीवीडी डायरिया वोमिटिंग का। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब डॉक्टरों के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है जब मौसम बढ़ता है बीमारियों का, जब ज्यादा लोग आते हैं? चुनौती तो है सिस्टर और डॉक्टर के लिए है, सब कुछ है, लेकिन स्टाफ कम है, स्टाफ है, वार्ड ज्यादा खुल जाता है वहाँ स्टाफ लोग चल जाती है, फिर स्कार्सिटी होता है स्टाफ का। जितने डॉक्टर जितने नर्स चाहिए उतने हैं नहीं, उतने नहीं है, इसलिए आप पर काम का लोड ज्यादा है। हाँ, हम लोग पर तो काम का लोड ज्यादा है ही है, तीन शिफ्ट ड्यूटी है, तीन शिफ्ट में कितना चाहिए, देखिए इमरजेंसी है। ये जो मैं देख रहा हूँ सिस्टर, ये तो गलियारा है, ये तो आने जाने का रास्ता है। हाँ, हाँ, हाँ। इसी को आपने अस्पताल बना दिया पूरा? देखिए ये PMCH है, जितने 9 मेडिकल कॉलेज है सबसे टॉप है, हर जगह से दूर दूर से कलकत्ता दिल्ली तक का पेशेंट यहाँ पर आ जाता है। फिर पेशेंट का जितना बेड है उतना बेड से अगर एक्सेस हो जाता है तो कहाँ रखा जाएगा, तो हम लोग व्यवस्था करते हैं गद्दा बिछा के पेशेंट को, ना नहीं करते किसी, ना नहीं करते किसी, नहीं, जान तो बचना है ना, कहीं सुला के काम कर दिया उसका जान बच गया फिर तुम अपना जाओ। ये डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ की एक बड़ी चुनौती है, और ये मेहनत भी है, शिद्दत भी है, लगन भी है कि कम से कम कोई मरीज लाइलाज होकर वापस ना जाए, किसी को ना ना किया जाए, उस चुनौती से निपटता है PMCH। यानी सरकारी व्यवस्था ऐसी है, व्यवस्था के नाम पर दरअसल कुछ भी नहीं है। अगर डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ अपनी हिम्मत ना दिखाए, इमरजेंसी कैसे डॉक्टर नहीं है, ठीक है, डॉक्टर नहीं नहीं है, चले गए, जब जाइए पूछने के लिए वोमिटिंग नहीं, शांत रहो, हो गया ना, आप आ गए ना, हमने सही बात बोल दिया तो हो गया, शांत रहिए, हो गया, समझ में आ गया। यहाँ एक से अनेक पेशेंट है, इमरजेंसी है, आते जाते आते जाते, जब पूरा फुल हो जाता है तो हम लोग व्यवस्था, मरीज को जान बचाएंगे ना, हम दरी पर रख के जान बचाए या गद्दा पर रख के बचाए, भीड़ होती है तो, भीड़ होती है तो दिक्कत हो जाती है, दिक्कत, हम लोग नीचे बैठ के IV लाइन लगाते हैं, कोई बात नहीं, डॉक्टर शांत रहिए, आप शांत रहिए, ये है व्यवस्था। मरीज ज्यादा है, डॉक्टर कम है, नर्सिंग स्टाफ कम है, उसके बावजूद आइए आपको दूसरा वार्ड दिखाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम मरीज, चूंकि जो मुश्किल में हैं इसलिए उनसे बात नहीं कर रहे हैं जो परिवार के, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो व्यथा में हैं, जो अपनी बात कहने के लिए सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ये गलियारा है, अपनी माँ बच्चे को लेकर के आई हैं, एक बच्चे का ऊपर इलाज चल रहा है जी, अटेंडेंट नहीं है,
बच्चे ऊपर एडमिट है, इलाज चल रहा है, माँ को नीचे जमीन पर सोना पड़ रहा है, क्योंकि इनके लिए अलग कमरा नहीं है यहाँ पे। इधर नहीं है, अच्छा अलग कमरा सुनना पड़ेगा। अब तो बच्चा है, अब तो बेड छोटा है, तो कोई तो उपाय था, भुइया में सुतेगा, छोटा भी जगह है। बेटे को छोड़ करके माँ बाप आखिर जाएं कहाँ पे, किसी न किसी का यहाँ रहना जरूरी है। ये गलियारा है, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ये पूरा गलियारा आपको दिखाऊं। इस गलियारे में जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं रुक गया, क्या करें, माँ बाप हैं, बच्चों की चिंता होती है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये PMCH का बच्चा वार्ड है, इमरजेंसी। जी हाँ, इमरजेंसी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं भी इमरजेंसी में हैं। इमरजेंसी की तस्वीर कैसी है वो भी आपने देख लिया। ऐसे क्या ऐसे बिहार आपदा से लड़ेगा, क्या ऐसे बिहार बीमारियों से लड़ेगा? बिहार की राजधानी पटना का ये हाल है। PMCS से ये खास रिपोर्ट लेकर किशन के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।